Well, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So I am Jay Arora and I am recently pursuing my masters at IIT Delhi. तो CCMT काउंसलिंग जो है वो शुरू होने वाली है और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए अपने डिसीजन लेने से पहले और अपने डिसीजन लेने के दौरान और अपने डिसीजन लेने के बाद. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने डेडलाइन को एक्सटेंड मत करना. अगर आपको डेडलाइन दी गई है 5 बजे तक की कोई काम करने की, विलिंगनेस को आपको स्पेसिफाई करना है. सपोज कीजिए आपको 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, तो अगर आपने वो विलिंगनेस 5 बजे तक नहीं अपनी स्पेसिफाई करी, तो आप जो है वो जो ऑफर आपके पास आया है राउंड वन में वो भी चला जाएगा. उसके साथ साथ आप रेगुलर राउंड्स के पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे. फिर अगर आपको सीसीएमटी में कोई सीट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल राउंड्स के लिए, एनएसआर के लिए आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा से अपनी चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी और जो सीट्स बची होंगी उसके हिसाब से आप वहां पर कंसीडर किए जाओगे. तो पोर्टल को एक्सेस ना करो, ये सब चीजें ध्यान रखना. पोर्टल को एक्सेस करना है, ऐसा ना हो कि आप पोर्टल को एक्सेस ही ना करो जिस टाइम में आपको राउंड की अपना डिसीजन लेना है. तो राउंड वन का जो रिजल्ट है वो 5 जुलाई को आएगा, राउंड टू का रिजल्ट 14 जुलाई को आएगा, तो उसी दिन आप पोर्टल को एक्सेस करें, अपना डिसीजन लें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करें, ODVC डाउनलोड करें, फिर और जो जितने भी चीजें करनी है आपको वो सब अपने स्टिपुलेटेड टाइम में करें, जिससे कि आपको कोई लॉस ना हो. अगर आप कोई भी चीज करने में हटते हैं, टाइम से पीछे रह जाते हैं, तो आपकी सीट बिल्कुल कैंसिल कर दी जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रेगुलर राउंड्स के लिए, ठीक है. नेक्स्ट चीज इज, जब आपको विलिंगनेस स्पेसिफाई करनी है, दैट मीन्स आपको फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज में से कुछ चूज करना है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, ना मुझे समझ में आ रहा फ्रीज करूं या फ्लोट करूं या स्लाइड करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लोट चूज कर सकते हैं, क्योंकि विलिंगनेस को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं ODVC के इश्यू होने के बाद, ठीक है. एक विलिंगनेस को चेंज करने का भी आपको दोबारा से मौका मिलता है, जो कि कंपलसरी नहीं होता है. अगर आपने इनिशियली अपनी विलिंगनेस स्पेसिफाई कर दी है और आपको लग रहा है कि आपने सही विलिंगनेस स्पेसिफाई करी है, तो आप उसको बाद में चेंज करें ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है. आप कर भी सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा ऐसा, जहां पर आप अपनी विलिंगनेस चेंज कर सकते हैं. अब मैं फ्लोट क्यों कह रहा हूं डिसाइड आपको करने को, अगर आप फ्लोट चूज करते हैं तो आप फ्लोट से स्लाइड कर सकते हैं, फ्लोट से फ्रीज कर सकते हैं और फ्लोट से आप उसको सरेंडर भी कर सकते हैं. ये तीनों चीजें कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने स्लाइड चूज कर लिया और बाद में आपको चेंज करना है, तो आप स्लाइड से केवल फिर फ्रीज कर सकते हैं, स्लाइड से फ्लोट में नहीं जा सकते हैं. आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्लाइड जो है वो फ्लोट का एक सबसेट है. फ्लोट में आप ऊपर के सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए एलिजिबल होते हैं अगले राउंड में, पर स्लाइड्स के लिए, स्लाइड करने पे आप क्या होते हैं, केवल रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आपको जो मिला है उसी की अपडेटेड ब्रांच के लिए आप एलिजिबल होते हैं. तो इसलिए स्लाइड से आप फ्लोट में नहीं जा सकते हैं, बट आप फ्लोट चूज कर लेंगे इनिशियली, तो आप चेंज करने के टाइम पे स्लाइड भी ले सकते हैं, फ्रीज भी ले सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में. बच्चे बोलते हैं कि यार 30,000 रुपए मेरे को पे करना है सर, बहुत ज्यादा अमाउंट है. तो ये 30,000 रुपीज जो है वो आप जो पे कर रहे हैं, सी 30,000 इज फॉर जनरल EWS एंड OBC, जो SC ST और PWD है उनके लिए 10,000 रुपीज है. तो जो ये 30,000 या 10,000 आपको पे करना है, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ये आपका एडजस्ट हो जाएगा आपकी कॉलेज फीस में. अगर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, किसी में भी आप एडमिशन लें, ये आपका SAF जो है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा. ये SAF आपको एक ही बार पे करना होता है. आपको सपोज कीजिए फर्स्ट राउंड में अगर आपके पास कोई ऑफर आ गया, तो आपको फर्स्ट राउंड में SAF पे करना है. फिर दूसरे राउंड में चाहे नया ऑफर आए, चाहे नए इंस्टीट्यूट से ऑफर, आपको दोबारा SAF पे नहीं करना है. तो ये जो 30,000 या 10,000 है, ये अभी आप जो पे कर रहे हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं फाइनली, तो आपके उस इंस्टीट्यूट में ये 30,000 फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा. सपोज कीजिए वहां की फीस अगर 1,00,000 रुपीज है और आपने 30,000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया है, तो आपको वहां पर 70,000 रुपीज पे करना पड़ेगा बस, ठीक है. तो ये एडजस्ट रहेगा. और अगर आप विड्रॉ करते हैं तो भी आपका ये एडजस्ट रहेगा, लेकिन आपका कुछ कटेगा, जैसे कि 1,000 रुपीज आपका जो है वो डिडक्ट होगा. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बाद आपको 29,000 रुपीज जो है वो रिफंड में आ जाएंगे. आपने जो भी अपनी बैंक डिटेल्स दी होंगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे, उस बैंक में आपकी सारा अमाउंट जो है वो वापस आ जाएगा 1,000 रुपीज कटने के बाद.
अगर आप विड्रॉ करते हैं तो SAF की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप आंख बंद करके फीस पे कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज विड्रॉ। अगर आप विड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए आप फर्स्ट राउंड से विड्रॉ करते हैं या सेकंड राउंड से विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करने के बाद आप रेगुलर राउंड्स में कंसीडर नहीं किए जाओगे। सपोज आपने सेकंड राउंड में विड्रॉ कर दिया तो आप दोबारा से रेगुलर राउंड में कंसीडर नहीं किए जाओगे। विड्रॉ का मतलब है आप सीसीएमटी के रेगुलर राउंड्स की प्रोसेस से बाहर हो चुके हो, लेकिन आप स्पेशल राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग और फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके विड्रॉ करने के बाद ही पैसे आपके रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनएसआर में आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 40,000 रुपीज होती है, 10,000 रुपीज ज्यादा। अगेन वो हो जाती है, सेटल हो जाती है आपकी फीस में या फिर आपको रिफंड मिल जाती है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आप पूरे मेन रेगुलर राउंड्स में आप आते जा रहे हैं और आपको कोई सीट मिली, या फिर भी आप अगर एनएसआर में जा रहे हैं तो आपने 30,000 ऑलरेडी पे कर दिए थे, तो अब आपको 10,000 और पे करने पड़ेंगे, आपको दोबारा से 40 पे नहीं करना पड़ेगा। 40 उनके लिए है जो एनएसआर में बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी तक एसएएफ का एक पैसा भी नहीं दिया है। जिन्होंने 30,000 एसएएफ दे दिया है उनको 10,000 और देना है, 40,000 हो जाएगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किस तरीके से करना है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको नहीं करना होता, आपको बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है वहां के ऑफिसर्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। सपोज कीजिए आपको फर्स्ट राउंड में एनआईटी त्रिची मिलता है, तो आपको एनआईटी त्रिची वाले जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। सेकेंड राउंड में आपको दोबारा से अगर एनआईटी त्रिची मिलता है और उसकी अपडेटेड ब्रांच मिलती है, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स एनआईटी त्रिची में वेरीफाई हो चुके हैं। बट अगर आपको एनआईटी त्रिची ना मिलके दूसरे राउंड में एनआईटी सूरत कल मिल जाता है, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, दोबारा से आपका वेरिफिकेशन होगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो अगर आपको सेम इंस्टीट्यूट बार बार मिल रहा है तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट ही चेंज हो जाएगा तो आपको उस इंस्टीट्यूट के लिए दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा होगा, उस टाइम पे आपके जो ऑफिसर है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा होगा आपके डेटा से, आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डेटा भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने जो अपने पॉइंटर्स भरे हैं, मार्क्स भरे हैं, डेट ऑफ बर्थ भरी है, उन सबको वो मैच करेंगे। अगर उनको कोई भी क्वेरी होती है तो वो आपको सीसीएमटी पोर्टल पे ही एक मैसेज भेजेंगे जिसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो आपको सीसीएमटी पोर्टल पे लॉग इन रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने वेरिफिकेशन करते टाइम आपसे कोई भी क्वेरी पूछी और उस क्वेरी को आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या आपने उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा आपसे क्वेरी में और आपने वो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आपको सीसीएमटी के पोर्टल पर रेगुलरली ऑनलाइन आना पड़ेगा, रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम किसी रिपोर्टर ने आपसे कोई क्वेरी तो एड्रेस नहीं करी है। तो अगर आप कोई क्वेरी उठाई गई है तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसलिए लॉगिन पोर्टल पे हर दिन करें, उसको रेगुलरली चेक करें कि ऑफिसर्स को कोई इशू तो नहीं है, वरना आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाएंगे, और नहीं होते हैं वेरीफाई तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपका डेटा कब गलत माना जाएगा या आपका सीट कैंसिल कब हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ द पर्सनल डेटा सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज फाउंड टू बी फॉल्स, देन हिज सीट अलॉटमेंट इज लायबल टू बी कैंसिल। अगर आपने जो पर्सनल डेटा दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो गलत दिया है तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। पर्सनल डेटा में आपने अपने एड्रेसेस दिए हैं, आपने अपने पेरेंट्स का नाम दिया है, ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, फोन नंबर्स दिए हैं, ये सारा डेटा अगर आपने गलत दिया है तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, देन हिज और हर अलॉटमेंट विल स्टैंड कैंसल्ड इफ द प्रेजेंटली अलॉटेड सीट वॉज बेस्ड ऑन हिज क्लेम्ड कैटेगरी। अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है, उसमें सपोज कीजिए आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भरी है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, अभी भले ना भी दे पाए, बाद में भी ना दे पाए अगर, तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। अगर आप अभी नहीं दे पाते हैं तो आपको अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, और अगर आप बाद में भी नहीं दे पाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप अलॉटमेंट आगे के राउंड्स के लिए आप फिर भी कंसीडर किए जाओगे आपकी अपडेटेड कैटेगरी के हिसाब से। सपोज आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपने भरी थी पर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मान के वो तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन
आगे के राउंड्स में आप जो भी कैटेगरी अपडेट करेंगे, सपोज आपने आप बोल दिया कि मैं ईडब्ल्यूएस नहीं हूं, मैं जनरल ही कंसीडर कर लो मुझे, तो जनरल के हिसाब से फिर आप आगे वाले राउंड्स के लिए कंसीडर किए जाओगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली है उसके लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। और कुछ पॉइंट्स हैं, इन केस द कैंडिडेट इज फाउंड इन एलिजिबल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू मिसमैच बिटवीन हिज और हर डिग्री और डिसिप्लिन एज पर द डॉक्यूमेंट्स एंड दैट फिल्ड अप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, हिज सीट इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड। वही, अगर आपने क्वालिफिकेशन डिग्री गलत भर दी है, डिसिप्लिन गलत भर दिया है, अपने पॉइंटर्स गलत भर दिए हैं, तो ये सारी चीजों में आपको जो सीट मिली है उसके बेसिस पे वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप अपडेट कर दें तो आने वाले राउंड्स के लिए आप दोबारा से कंसीडर कर लिए जाओगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज In case the marks or CGPA filled in during the registration do not match with that in the documents, the same will be updated by the document verifying officers. Thus, the candidates are required to visit their login portal to see such update if any. तो वही same सी बात है, अगर आपने marks और CGPA गलत भरा है तो वो भी आपका update कर दिया जाएगा। अगर आपने गलत भरे थे तो जो officer आपका verify कर रहा है वो उसको वही update खुद कर देगा, तो वो update आपको check करने के लिए regularly अपने portal पे login करना चाहिए। Next is In case candidates having the qualifying degree status as appearing, अगर आप appearing हैं, अगर आप अभी graduate नहीं हुए हैं and have not uploaded the course completion certificate duly signed by the head of the institution, then his or her allotment seat shall stand cancelled and the candidate will not be considered. अगर आप appearing में हैं और अगर आप document verify कराते time आप ये certificate नहीं दे पाते हैं, जिसमें कि एक सर्टिफिकेट होता है जो जिसमें कि लिखा होता है कि आप इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं और आप इस इंस्टीट्यूशन से अपना बीटेक या बीई कर रहे हैं, तो उसको आपको इंस्टीट्यूशन के हेड से साइन कराना होता है। अगर आप वो सबमिट नहीं कर पाते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में, तो उस टाइम पे भी आप अपनी सीट जो है वो खो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग डिग्री पासिंग ईयर फिल्ड इन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन डज नॉट मैच विद द डॉक्यूमेंट्स, इट विल बी अपडेटेड इन द सिस्टम। अगर आपका डिग्री मतलब ईयर ऑफ पासिंग मैच नहीं होता है तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा कोई इश्यू नहीं आने वाला है। In case the date of birth filled by the candidate does not match with the document, then the seat may be cancelled if the actual date of birth is later than द फील्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ जो भरा है वो गलत है और आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो बाद का है, तो आप कैंसिल हो सकते हैं। अगर उससे पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो आप कैंसिल, आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, सपोज कीजिए आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरा 10th of July 1999, ठीक है, ये आपने अपना डेट ऑफ बर्थ भरा, बट आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या था 10th of July 2000, तो इस केस में आपका सीट कैंसिल हो सकता है क्योंकि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो भरी हुई डेट ऑफ बर्थ के बाद की है, ठीक है। बट अगर आपका 1998 है 10th of July, तो आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। नेक्स्ट इज इफ द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन हिज और हर अलॉटमेंट विल स्टैंड कैंसिल। अब हर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप जाके स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशंस में देख सकते हैं जो कि आपकी सीसीएमटी वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो वो उस इंस्टीट्यूट की उस ब्रांच के लिए अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है और आपने वो भर दिया है तो, और वो सीट आपको अलॉट हो गई है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आपने गलत स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भर दिया है अपना, गलत कंडीशंस भर दिए हैं और आपको सीट मिल गई है, बट वो आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपकी सीट कैंसिल होती है किसी भी रीजन से, तो कोई आपको फ्रेश फिलिंग करने की परमिशन नहीं मिलेगी किसी भी सर्कमस्टेंस पे, और रिफंड ऑफ फी विल बी डेल्ट बाय द रिफंड रूल्स। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने नहीं दिया जाएगा और जो रिफंड है वो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाएगा कि आपको रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सीसीएमटी काउंसलिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सीसीएमटी काउंसलिंग एंड डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज प्लीज फील वेरी फ्री टू आस्क मी। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।